चलिए मेरे फार्म हाउस को पार्टी शार्टी एंजॉय करते हैं, पता मेरे बाप दादा का परदादा खूब जमीन दलाल खूब उड़ाएंगे, खूब ऐश करेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे दम पूरा दम बम था। आईपीएस राजवीर शेखावत, राजवीर शेखावत आईपीएस। हे गाइस, दिस इज सुमित कुलरे। दोस्तों आज हम आ गए हैं फिर से एक न्यू धमाका करने के लिए। गाइस, हमेशा से बोला जाता है अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है तो उसके लिए आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी बातें करोगे आप तभी कोई आपसे बात करेगा। लेकिन भाई कहना ये है कि अगर आपका लुक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर आपका लुक अच्छा है तो आपसे सभी लोग बात करेंगे। और भाई खुद को मुझसे जो है कहीं ज़्यादा स्मार्ट, कहीं ज़्यादा हैंडसम मैं हूँ भैया। हाँ, ब्यूटीफुल है भी, है भी भाई है। तो ये बोलता है कि ऐसा लगता हूँ कि मैं कहीं बाहर से आया, क्योंकि ये गोरा है, हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा गोरा है, तो इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा लगाता है। तो आज यही है लड़की को इम्प्रेस करने का। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तब तक एक लड़की दिखी है जो कि इस रेस्टोरेंट के अंदर गई है। तो हम लोग जो है यहाँ पे इंतज़ार करेंगे और दोनों में से एक लोग इम्प्रेस करने वाले उस लड़की को। तो देखते हैं पहले कौन करने वाला है। तो पहले मैं भाई को भेजूंगा, अगर वो जब भी बाहर आती है या फिर आप रेस्टोरेंट के अंदर जाओ, पहले आप जाइए। भाई जब इतना गट से, तो पहले अगर मैं पहले चला गया ना तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसको इम्प्रेस करके लेके चले जाऊँगा। नितेश तुम तो यार मेरे यार, तुम बताओ। Can I just talk to you? No. Can I get your number? सैंडल का मेरे। आपका चाहिए, सैंडल का नहीं चाहिए मुझे। नहीं, कौन हो तुम? मैं प्रिंस चार्ली। कहाँ के प्रिंस चार्ली? आई एम कमिंग फ्रांस। तुम हो फ्रांस? हाँ, आपसे बात करने आया हूँ। क्या कर रहे हो? कब आप अंदर गए थे? कब से मैं आपसे वेट कर रहा था आपसे बात करने के लिए। हाँ, हटाओ, मैं स्कूल के पास से। पास से क्यों हटाए? मैं आपके पास आने की बात कर रहा हूँ, हटाने की बात कर रहे हो मुझे? पता है हम जैसा स्मार्ट लड़का आपके पास आए इतना बात करने, आपको तो गर्व महसूस होना चाहिए। क्यों गर्व महसूस? मैं इतना मैं स्मार्ट सा हूँ, दिखता हूँ, पर्सनैलिटी भी अच्छी मेरी। इतने दूर से आया, सिर्फ आपका वेट कर रहा था। मैंने कहा वेट करने को, क्यों आए हो? आप ऐसा इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? एकदम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मेरी हरकतें ऐसी हैं? हाँ। हमको तो नहीं लगता है ऐसी। सुन तो लीजिए, दो मिनट इधर आ जाइए। मुझे नहीं है। अरे सुन तो लीजिए, हम जैसा लौंडा आपको मिलेगा भी नहीं, आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो। जैसा लौंडा चाहिए भी नहीं मुझे। चलिए मेरे फार्म हाउस को पार्टी शार्टी एंजॉय करते हैं, पता मेरे बाप दादा का परदादा खूब जमीन दलाल खूब उड़ाएंगे, खूब ऐश करेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे दम पूरा दम बम था। अब ऐसे क्यों? खूब डांस करेंगे। नाचती है ना, चैंपिंग सैम्पिंग ये सब खुलेगा, दम खूब नाचेंगे गाएंगे, दम खूब डांस करेंगे, पागल है क्या? डांस करेंगे, एंजॉय में मार दूंगी। सारी उम्र मैं झोंकर जब बड़े आ रहा तेरे पीछे, जिंदगी सरकस हो गई। सुन तो लीजिए, सुनिए तो, एक मिनट सुनिए। क्या है? मार तो दिया है, तो सुन तो लीजिए, एक मिनट इधर आइए। क्या हुआ? पता ही आपने इधर मार, चोट लग गई मुझे। तो कब से ऐसे किसी लड़कियों करते हैं? अच्छा, इधर सुन तो लीजिए एक मिनट। क्या है? इधर इधर आ जाइए एक मिनट। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, इधर आ जाइए एक मिनट, तो आ जाइए, मार तो दिया एक बार, तो इधर तो आ जाइए। आई लव यू। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख किधर आ? ये वाइल पंडुस है यार, वो कैब छूट गई यार, गाड़ी में रख दो। ठीक है। आईपीएस राजवीर शेखावत। नाम सुना आपने? नहीं। यहाँ पे नई जवानी हुई हमारी, कहाँ से हो आप? मैं तो यही नैनी से। नैनी में? हाँ।
नहीं नहीं मैं भी रुका हूँ इधर। अच्छा अब मैं इधर ही रहने वाला हूँ। हाँ ये इसका क्या आपके साथ क्या रिलेशन है इसका? पता नहीं परेशान कर रहा था। प्रपोज कर रही थी आप उसको या वो कर रहा था आपको? वो कर रहा था। क्यों पता नहीं कोई पागल है शायद। तुमको पता है वो कौन है? मुझे नहीं पता। अरे क्रिमिनल है वो, उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज है मालूम है क्या? 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। मैं इसी केस स्टडी कर रहा हूँ, इसके लिए तो आया मैं इधर। बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक ये भी लफंडुस है उसमें। मुझे नहीं पता था, मुझे बहुत परेशान। आई थिंक आप सिंगल हो शायद। जी मैं सिंगल हूँ। है ना, तो वो सिंगल लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। मुझे नहीं पता था। अभी आप, अरे मेरा छोड़ो पहले, आप अपना देखो कि अभी वो आपके पीछे पड़ जाएगा। महीने तक आपको भी छोड़ेगा नहीं, एक महीने के अंदर आपका काम तमाम। वो न जाने कितने ऐसे लड़कियों के पीछे पड़ चुका है। और आप क्यों बात कर रहे थे आप उससे? वो मुझसे कर रहा था, मैं उससे नहीं कर रही थी। आपको दुनिया में अगर आप सिंगल हो तो अच्छे लड़के नहीं दिखते आपको? कोई पढ़ा दिखा देखो, IPS देखो, कोई इंस्पेक्टर देखो, कोई वो देखो। आप सिंगल है? मेरा छोड़ो, आप पहले देखो आप खुद को। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। या तो एक काम करो, किसी के साथ ना रिलेशनशिप में आ जाओ आप, तो हो सकता है वो आपको छोड़ दे फिर। अच्छा क्या करती हो आप? मैं तो जॉब करती हूँ। अच्छा अभी इधर क्या करने आई थी आप? कॉफी पीने आई थी। पिया आपने कॉफी? हाँ। अच्छे से पिया? हाँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो इधर से गुजर रहा था, फिर मैंने देखा कि यार इसके लिए तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ इसको। अच्छा टाइम पे आप आ गए, नहीं तो मैं तो इसको आज तो खत्म कर देता, मैं यही सोचा। इतना यंग आई जस मैं ठहरा रहा, जमी चलने लगी धड़का ये दिल। तो आप तो मेरे क्या बोल रहा? वो परेशान कर रहा था। आप उंगलियों क्यों तोड़ रहे थे, नर्वस क्यों? नहीं राजवीर, गुड नेम है आपका? मधु। आज क्यों घबरा रहे हैं आपका? IPS को देखते हैं। हाँ जी थोड़ा पुलिस ऑफिसर से पहली बार बात कर। अच्छा तो बात और करनी है कि फिर मैं जाऊँ अभी? अब जैसा आप समझे। करना चाहोगे और बात? हाँ। तो फिर कहो अंदर बैठ के करें या फिर किधर चले? मैं तो स्कूटी से आई हूँ। तो मैं तो कार से आया हूँ फिर। अच्छा मैं तो घर को निकल रही हूँ। घर को? तो आप चाहो तो हम लोग अंदर बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं और मेरे साथ कॉफ़ी पी सकती हो और सारी डिस्कस कर सकते हैं आपके बारे में, मैं जान सकता हूँ। अरे आप क्यों नहीं चाहते, आपके साथ इतनी ब्यूटीफुल सी हो, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपकी आँखें बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास कैमरा होता ना मैं फुल जूम मारता आपकी आँखों पर और आपके ऊपर एक गाना बनाता मैं, लगाता मैं। आँखों में तेरी अजब सी अजब, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। कॉम्प्लीमेंट किसी को देता नहीं लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो इसलिए आपको दे रहा हूँ मैं। थैंक यू। तो अभी हम लोग बैठेंगे अंदर, कॉफ़ी पिए साथ में। ठीक है आप स्कूटी की चाबी निकाल लो, ऐसे छोड़ो मत नहीं तो स्कूटी भी गायब हो जाएगी आपकी। नहीं ठीक है आ जाओ। चश्मा उसका है क्या? हाँ उसी का है। जाने दो, आएगा लेने के लिए फिर पकड़ लूंगा उसको मैं।